देश की राजधानी दिल्ली अवैध तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों का अड्डा बनती जा रही है। कोई घूमने के बहाने आया, कोई इलाज कराने के लिए आया, तो कोई पढ़ाई के बहाने से दिल्ली पहुंच गया। जब उनका वीजा समाप्त हो गया तो अपने देश लौटने की बजाय दिल्ली में ही डेरा जमा लिया। अब इन्हें पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। नाइजीरिया समेत कई देशों के नागरिकों ने पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की पकड़ से बचने के लिए दिल्ली के विभिन्न घने और बाहरी इलाकों को अपना आशियाना बना लिया है। अब इन्हीं गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ द्वारका जिला पुलिस ने एक विशेष अभियान चला रखा है। इस अभियान के तहत बीते 2 महीने में पुलिस ने 400 से ज़्यादा ऐसे विदेशी नागरिकों को पकड़ा है जो द्वारका इलाके में गैर कानूनी रूप से रह रहे थे। इन विदेशी नागरिकों में सबसे ज़्यादा 69 लोग नाइजीरिया मूल के हैं। द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों की पकड़ने की जिम्मेदारी एटीएस और एंटी नारकोटिक्स सेल को सौंपी गई थी। इनके साथ उत्तम नगर, द्वारका नॉर्थ, मोहन गार्डन और द्वारका पुलिस को भी लगाया गया था। इस कार्रवाई में अब तक 400 से ज़्यादा विदेशी नागरिकों को हिरासत में लेकर उनके दस्तावेजों की जाँच की गई। इनमें कई ऐसे थे जिनके पास अपने दस्तावेज नहीं थे। जाँच में जिनके पास दस्तावेज मिले उनकी वैधता समाप्त हो चुकी थी। पूछताछ के बाद हिरासत में लिए गए सभी विदेशी नागरिकों को फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस के समक्ष पेश किया गया है, जहां से सभी को डिपोर्ट करने के आदेश जारी किए गए हैं। FRRO के आदेश पर सभी गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को डिटेंशन सेंटर भेज दिया गया है, जहाँ से डिपोर्टेशन की प्रक्रिया जारी है। द्वारका जिला पुलिस आयुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। उन्हें ढूंढ ढूंढ कर निकाला जाएगा। पकड़े गए विदेशी भारत विरोधी गतिविधियों में तो शामिल नहीं हैं, इस बात की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि उन मकान मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी नागरिकों को अपने आवास किराए पर दिए थे। यहाँ सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि पकड़े गए ज़्यादातर विदेशी नागरिकों की उम्र 22 से 40 साल के बीच है। इनमें ज़्यादातर नाइजीरियन हैं। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।